हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उनका आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो सिंपल एल्केन से स्टार्ट करते हैं। एल्केन, ठीक, तो एल्केन CnH2n+2 होता है जनरल फॉर्मूला। और इसका पहला मेंबर है CH4, इससे मैथेन बोलते हैं, मैथेन, ठीक। CH3 दो कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं इसको, एथेन, ठीक। CH3 CH2 CH3 तीन कार्बन होते हैं तो प्रोपेन, ठीक। यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है प्रोपेन। और ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 चार कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन, ठीक है। बहुत आसान है ये। अब ब्यूटेन में कैटेगरी, अब ब्रांच भी निकल सकती है, ठीक है। तो ब्रांच देखिए, तीन की एक दो तीन है, तीन तो मैंने चेन में ले लिए, एक ब्रांच निकाल दी CH और CH3। देखिए इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का क्या है, एक दो, इसमें जितने कार्बन हाइड्रोजन है उसमें इतने हैं, लेकिन इसका नाम जो है, अगर बात करें कॉमन नेम, तो ये है एन ब्यूटेन। नॉर्मल, सीधी जब चेन रहती है तो बोलते हैं नॉर्मल एन ब्यूटेन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका ये तो हो गया कॉमन, ये हो गया आईयूपीएसी। और अगर कॉमन में बात करूं, कॉमन नेम हो जाएगा एन ब्यूटेन, यानी नॉर्मल ब्यूटेन। बच्चों क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन। ये देखो है तो ब्यूटेन ही, एक दो तीन चार, और फॉर्मूला भी सेम है, C4H10 है इसका, सबका 3 2 5 2 7 और 3 10। अब आईयूपीएसी में जो नाम लिखते हैं वो तो सिंपल लिखते हैं, ऐसे सबसे लंबी कार्बन चेन लेते हैं, सबसे लंबी एक दो तीन, सबसे लंबी कार्बन चेन यही है ना, नंबरिंग 1 2 3। तो 2 पे क्या पड़ रहा है बच्चों, मैथिल, 2 पे क्या है, मैथिल। तो आईयूपीएसी की बात करें तो होता है ये 2 मिथाइल प्रोपेन, और या फिर 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है, 2 मैथिल प्रोपेन, समझ में आ गया। तो कॉमन नेम में लगाते हैं CH3 ग्रुप हो, अगर ये वाला हो ग्रुप तो इसे बोलते हैं आइसो, ठीक। और ये हो अगर CH3 CH2 CH2, और यहां पर ये अगर ग्रुप होता है, यहां और थोड़ा सा चेन बढ़ा देते हैं इसको, ये देखिए CH CH3 CH2 CH3, ये अगर नाम अगर हो तो क्या हो जाएगा, आप बताइए। CH इसका जो नाम है वो कैसे लिखेंगे बच्चों, आप ये अगर कर लिया हो आपने ये वाला, तो इसको रफ कर दूं मैं, ये वाला हो गया, यहां CH3 CH CH3 नहीं है, CH3 CH2 है, तो वो तो है नहीं। अब देखते हैं कॉमन में, अगर बात करें कॉमन में, ठीक है, साधारण नाम, तो ये डिग्री देखो, ये
एक से जुड़ा हुआ है, दो से जुड़ा हुआ है, तीन से जुड़ा हुआ है, तीन से जुड़ा हुआ तो इसकी डिग्री क्या है बच्चों, इसकी डिग्री है थ्री डिग्री, क्या है थ्री डिग्री, ठीक। तो इसे बोलते हैं तृतीयक, 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 एक दो तीन चार पाँच छः, हेक्सेन, हेक्सेन या टर्शियरी, टर्शियरी हेक्सेन, टर्शियरी हेक्सेन। और आईयूपीएसी में तो आप जानते ही हो, आईयूपीएसी क्या होगा इसका नाम, आईयूपीएसी में सबसे लंबी चेन ये है, जिधर से पास पड़े, किधर से पास पड़ रही है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो इधर से थ्री पे, इधर से भी थ्री पे, वन टू थ्री इधर से करते हैं तो इधर से भी थ्री है, तो थ्री पर क्या है ये प्रतिस्थापक, क्या बोलते हैं इसको, थ्री मिथाइल पेंटेन, पांच कार्बन है पेंटेन, या थ्री मेथिल पेंटेन, थ्री मेथिल पेंटेन। तो कुछ कुछ तो आपकी समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, ठीक, ये समझ में आ गया। आइसो मैंने बताई दिया है, और यहां पर इसका नाम जो बताया था अभी हमने, क्या था इसका कॉमन नेम में अगर बताएं इसको, तो CH3CHCH3, ये अगर ग्रुप होता है तो क्या बोलते हैं, आइसो, तो इसे बोलेंगे आइसो, एक दो तीन चार, जब आइसो सेकेंडरी तृतीयक तो सारे कार्बन काउंट होते हैं, तो कितने हैं चार, आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन यानी आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद अच्छा कुछ और दे रहा हूं मैं, उसको जरा बताओ मुझे क्या होगा, यहां देखिए CH3CH3CH3 ये है, ठीक, कॉमन नेम, साधारण नाम इसका कॉमन में, ये जो है ये चार से घिरा हुआ है, एक दो तीन चार, तो जो चारों से घिरा हुआ हो तो उसे बोलते हैं नियो, यानी नियो, नियो, एक दो तीन चार पाँच, पांचों कार्बन काउंट होंगे, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, ठीक है, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन या नियो पेंटेन ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है आपके, जैसे हम किसी कंपाउंड को लेते हैं इस प्रकार से, इसमें देखिए ये दे रखा है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ऐसे दे रखा है कोई कंपाउंड, और उसमें आपको नंबरिंग करना है, तो यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है, ठीक, मिथाइल है इथाइल है, तो इथाइल को ओपन कर दिया है CH3, अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए, H3 H H2 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 H H2 H2 H3, ठीक है, ये है। तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो पहला नियम होता है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कीजिए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला पहले हो गया, दूसरा पॉइंट है सबसे लंबी कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ की है तो ये नौ वाली सेलेक्ट कर लीजिए। हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से ये टू पे है
सब्स्टिट्यूएंट इधर से 1 2 3 4 फोर पे है, ठीक। तो टू वाला जिधर से पास पड़ रहा हो, दूसरा लिखिए, ठीक, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा हो, उधर से नंबरिंग कीजिए, उधर से नंबरिंग कीजिए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा हो। कम इधर से टू पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 6 पे मिल रहा था। नाम कैसे लिखेंगे? अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या आ गया, तीसरा आ गया कि ये है मिथाइल, इंग्लिश में एम से शुरू है, यह इथाइल ई से शुरू है, तो ई पहले आता है, ठीक है। तो लिख दीजिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक, सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए जो पहले आ रहा हो उसका नाम पहले लिखो। ये पहले आता है इंग्लिश में, ई एम बाद में आता है, तो इसलिए इसका नाम रखा जाएगा। नाम क्या बनेगा? सिक्स इथाइल टू मिथाइल नोनेन या फिर 6 एथिल टू मेथिल नोनेन ये बन गया, ठीक है बच्चों। तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सबसे पहले लंबी श्रृंखला सेलेक्ट कीजिए, फिर नंबर उसको दीजिए जो पास पड़े, ठीक, उसको दे दिया, फिर नाम उसका पहले लिखिए जो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आ रहा हो, तो इसको ई पहले आता है एम बाद में, तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो आपको नियम भी पता चलते चले जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक है, अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, जैसे इसको देखते हैं बच्चों, यहां पर यह है CH3 CH CS3 CH2 CH CS3 और CS3, ये है नाम पहले। ये भी इधर से पढ़ रहा है, सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये भी पांच वाली है, ठीक है। तो इसमें भी आप इसको दे देंगे तो भी सेम बनेगा, तो इसलिए कोई सी भी सेलेक्ट कर लो, या तो इसको ले लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक, समझ में आ गया। तो देखिए इसमें नाम जो बनेगा वो क्या बनेगा, किधर से, इधर से टू पे है और इधर से भी टू पे है, इधर से टू पे मिथाइल है, इधर से टू पे मिथाइल है, तो किधर से भी नंबरिंग कर दो, तो 1 2 3 4 5 पहले नाम किसका लिखेंगे, इसका, टू पे मिथाइल है और फोर दोनों सेम है ना, तो एक साथ लिख दीजिए 2, 4 टू पे है फोर पे है 2, 4 डाई मिथाइल दो मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, पांच के लिए पेंटेन या 2, 4 डाई
मेथिल पेंटेन, ऐसे भी लिख देंगे। अब मान लीजिए कोई कहता है सर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं तो सेम ही बनेगी भैया, देखो कैसे CH3CH2CH CH3CH3। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं इस चेन को, इसको ठीक है, ऐसे इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं आप, तो नंबरिंग किधर से होगी? देखो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कैसे ही कर लो, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, वो नाम वही बनेगा। यहाँ 2 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, तो 2.4 डाई मेथिल पेंटेन वही बन गया, कोई प्रॉब्लम है ना? तो सेम है, आप कोई से भी सेलेक्ट इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो इसको यहां से रफ कर दूं, देखिए आगे नेक्स्ट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम बच्चों इसमें। देखिए CH3CH2CH CH2CH3, ठीक, इसको सीधा सीधा लिख दीजिए CH2CH3 सी, और इस पर फिर से CH3 है और CH2CH CH3CH2CH3 ये है इसका नाम। तो पहले बच्चों पहले क्या नियम है, पहले तो है कि लॉन्ग चेन सिलेक्शन, ठीक है, लॉन्ग चेन सिलेक्शन करना आपको, ठीक है। तो सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है ये सीधी, और वैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 की बन रही है, ठीक है, लेकिन दोनों एक जैसी ही बनेंगी, चाहे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक, चाहे इसको ले लीजिए ऐसे करके, तो भी 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। तो लंबी चेन यही ले लीजिए 7 की। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये 2 कार्बन का, ये है इथाइल और ये है बच्चों मिथाइल और ये है मिथाइल, ठीक, मिथाइल। तो यहां 1 2 3 पे पड़ रहा है, इधर 1 2 3 पे इथाइल है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पे कौन है? इथाइल ई वाला। इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे कौन है? मिथाइल एम वाला। तो मजबूरी फंस गई, क्या करें, किसको किधर से नंबरिंग करें? एक तरफ है मिथाइल, एक तरफ है इथाइल, क्या करें? तो कौन पहले आता है ऐसी कंडीशन में, नियम लगेगा इंग्लिश में, कौन पहले आता है? ई, इथाइल। तो नंबरिंग इधर से होगी, जब दोनों इथाइल और मिथाइल एक जैसी पोजीशन पे हो तो फिर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो क्या बन गया, नाम भी किसका लिखेंगे? इसका 3 इथाइल 3 इथाइल 4.5 4 पे भी मिथाइल, 5 पे भी डाई मिथाइल हेप्टेन, या फिर 3 ethyl 4 5 dimethyl heptane ये बन जाएगा। आप कुछ भी कैसे भी इसको हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे इसको हम रफ कर रहे हैं।
ठीक। और देखिए मान लीजिए इस टाइप से है क्वेश्चन आपका, ये है CH3 और ये CH3, ये है। अब देखो किधर से नंबरिंग होगी, सबसे लंबी चेन कौन सी है, सबसे लंबी चेन तो यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की है, और कोई चेन बन रही है क्या, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 8 की है, लेकिन बात वही पड़ेगी, आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। नंबरिंग 1 2 3 पे इथाइल पड़ रहा है और 2 पे मिथाइल पड़ रहा है, तो किसको लें अब, यहां नंबरिंग किसकी होगी, 1 पे है आपका इथाइल और 1 पे है मिथाइल, किसका नाम पहले रखेंगे आप बताइए बच्चों, किसका नाम यहां पे पहले रखा जाएगा, क्योंकि यहां एक पोजीशन है किसके लिए, एम मिथाइल है, ठीक है, और एक तरफ क्या है, इथाइल है ई, तो ये तो इधर से 1 2 पे पड़ रहा है, ये 1 2 3 पे पड़ रहा है, तो जो पास पड़ रहा है वहीं से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो अगर हाँ सेम पोजीशन पे होते तो फिर ई को दिया जाता, दोनों ही 2 2 पे होते, ये भी 2 पे होता, ये भी 2 पे, तो फिर ई इस तरफ से, लेकिन अब तो ये पास में है, तो नाम इसका ही लिखा जाएगा, 6 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है, 6 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, समझ में आ गया बच्चों, तो ये आपका है यहां, क्लियर है, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का है क्वेश्चन, उसमें ब्रांच निकाली गई है, देखो ब्रांच में ब्रांच निकाली गई है, तो ब्रांचिंग वाला और समझ लीजिए आप, देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, कितने हो गए, 3 4 5 6 CH2 CH CH2 C, यहां पर ब्रांच निकाली गई है CH3 CH3, ठीक, और ये CH2 CH3, ठीक है, इधर से CH2 CH CH2 CH3, इधर इस पे ब्रांच है CH2 CH3, ठीक है बच्चों। यहां देखिए आप के ये नंबरिंग, अब बताइए इसमें कि नंबरिंग किधर से करें इसकी, नंबरिंग किधर से करें, यहां पर सबसे लंबी कार्बन चेन, पहला रूल क्या है, पहला रूल लगाइए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 की है दोनों तरफ, ये भी 10 की है और ये भी 10 की है, अगर इस समेत लें ऐसे करके, लेकिन एक चीज देखो, ज्यादा ब्रांच किस में बन रही है, शाखा किस में ज्यादा निकल रही है, इसमें कितनी शाखाएं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर कितनी शाखाएं बच्चों, 1 शाखा हो गई, अगर इसको सेलेक्ट किया जाता है इसको, तो कितनी शाखाएं हैं, 1 और 1 2, यहां से देखो 1 1
और एक दो, दो ही तो निकल रहे हैं, दो ही तो ब्रांच निकल रही है, दो ब्रांच हैं इसमें। लेकिन अगर ये सेलेक्ट की जाती है, ठीक है, तो कितनी ब्रांच बन रही है, अब समझो। अब देखो इसमें दो थी, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, इसको हटाइए, ये हो गया। अब इसको CH2, ये हुआ, यहाँ से चले, ये चले, ये चले, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, थोड़ा स्टाइल में ऐसे घुमाओ, ये घूम गया, बन गया अजगर। अजगर बना या कुछ और बना, ठीक है। अब बताओ किधर से नंबरिंग करें, कहाँ से नंबरिंग करेंगे इसकी। अब ना पहले ब्रांच की बात है, यहाँ अगर इधर से नंबरिंग कर दें, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो एक तो ब्रांच हो गई ये, और एक ब्रांच हो गई ये, एक दो ब्रांच और एक ये तीसरी ब्रांच, तीन ब्रांच है इसमें। तो जिसमें ज़्यादा ब्रांच बने उसको सेलेक्ट कीजिए। और इस, अब ये चेन हो गई आपकी, ऐसे नंबरिंग इसकी कैसे बनेगी, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ग्रुप पास पढ़ रहे हो सब्स्टिट्यूएंट, तो एक दो तीन पे ही पढ़ रहे हैं, इधर से एक दो तीन चार पाँच छः, छः पे पढ़ रहा है, तो किधर से नंबरिंग करें, इधर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो इसको तो आप इसको इसको तो लिख दोगे थ्री इसके लिए, थ्री इसके लिए डाई मिथाइल या डाई मैथिल हो जाएगा, ये तो सिंपल है। लेकिन यहां देखो, यहां ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, अजीब सा क्यों लग रहा है, अगर इसको हटा दो और यहां टू लगा दो तो ये क्या है बच्चों, ये बताओ, ये है एक दो तीन चार, यानी ब्यूटिल, क्या है ब्यूटिल, जैसे मैथिल बोलते हैं ना, मैथिल, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल हो जाएगा चार कार्बन का। लेकिन हुआ क्या है, खाली ब्यूटिल नहीं है ये, इसमें ये ब्रांच और लगा दी है, तो जब ब्रांच में शाखा में शाखा निकले, शाखा मेन थी ये, है ना, पेड़ों में होता है ना ऐसे ही, शाखा में शाखा निकल जाती है, हैं, तो ऐसे ही इसमें, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रतिस्थापक, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जटिल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसकी नंबरिंग कैसे करें, ये ब्यूटिल था, ब्यूटिल में कौन सी पोजीशन पे ब्रांच निकल गई है बताओ, ब्यूटिल मान लें वन टू थ्री फोर, तो ब्यूटिल में कौन सी पोजीशन पे ये निकल गई है ब्रांच, सेकंड पे, तो इसको बोलेंगे टू एथिल, टू पे क्या है एथिल ब्यूटिल, यानी ब्यूटिल तो मेन है, ब्यूटिल में भी टू पे एथिल बन गया, एक दो एथिल बन गया है। तो ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग अलग टाइप से होती है, समझ गए, इसकी भी नंबरिंग करनी होती है। और ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अब नाम रखो इसका, ठीक, कैसे रखोगे, ये तो हो जाएंगे थ्री थ्री डाई, थ्री थ्री क्या हो जाएगा, डाई मैथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री थ्री डाई मैथिल, ठीक। अब समझो ये है डाई मैथिल, थ्री 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 कोमा थ्री डाई 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 मिथाइल, ठीक, और ये है इंग्लिश में लिखूं तो टू
इथाइल, क्योंकि नंबरिंग उसी हिसाब से हो रही है इंग्लिश के हिसाब से, मिथाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। तो यहां कौन सा है शब्द? ई है, और यहां डी को काउंट नहीं करते, इसको काउंट करते हैं। तो यहां है ई और यहां है एम, पहले कौन लिखा जाएगा? पहले ई वाला लिखा जाएगा, ई, ये एम नहीं लिखा जाएगा। डाई ट्राई को छोड़ देते हैं, ये डी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा टू एथिल ब्यूटिल, और ये है किस पे? ये जो पूरा ग्रुप है ये किस पे जुड़ा हुआ है? पांच पर। किस पे है बच्चों? पांच पे। तो नाम क्या होगा इसका? फाइव, फाइव। और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसा जब होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, टू इथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज, फिर थ्री पे आ गए, थ्री कोमा थ्री डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, थ्री इसके लिए, थ्री इसके लिए, दो बार लगेगा, डाई मिथाइल, और ये पूरा डेकेन, डेकेन। इसको और इस तरह से लिख दो, फाइव टू एथिल ब्यूटिल, ब्यूटिल एथिल ब्यूटिल, एथिल ब्यूटिल, इस पर मात्रा नहीं है, ए ही है, ठीक है, एथिल ब्यूटिल, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, थ्री कोमा थ्री डाई मेथिल डेकेन, ठीक है बच्चों। तो ये जो हैं इस टाइप से क्वेश्चन हैं, आप इजीली कर लोगे इनको, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है बच्चों। तो ये हाइड्रोकार्बनों का आईयूपीएसी नामकरण था, ठीक है, कीजिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। जय हिंद, जय भारत।